ये चाट उठता हमारा तोबड़ा चढ़ा हुआ कब था, हमारा जिंदगी में एक ही चीज चढ़ा हुआ, उधार या बुकार। अब क्या हो गया? हम तो जिंदगी से तंग, ये गवर्नमेंट क्या करता मेरा समझ में नहीं आता जी। लो फिर काटने को दौड़ रहा है। ऑलराइट भाई, सर आज मैं आया हूँ मुंबई सेंट्रल गेट ऑफ इंडिया, ठीक है, गेट ऑफ इंडिया प्यारी सी लोकेशन पे आया हूँ। यहाँ की लोकेशन से आपको मैं रूबरू करवाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, ठीक है। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ कौन बनेगा करोड़पति। अपनी कहानी सच्चा प्यार दिखलाएगी, खबर के सदर की फुहार बरसाएगी, ज्ञान ना बांटेंगे। ऑलराइट गाइस, 1982 में आई थी खुद्दार मूवी अमिताभ बच्चन की, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमिताभ बच्चन की जो मूवी का कुछ सीन्स वगैरह थे जो यहाँ शूट करे गए थे इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ की लोकेशन से रूबरू करवाने वाला हूँ और वो सीन्स आप लोगों को दिखाऊंगा जो यहाँ पर मूवी पे शूट लिए गए थे। फिलहाल मूवी को आए हुए 40 साल हो गए हैं, ठीक है, 40 साल हो गए हैं मूवी को और 40 साल बाद भी लोकेशन वैसी की वैसी ही दिखती है। और आज की इस वीडियो में पूरी लोकेशन से आप लोगों को रूबरू आने वाला हूं और कैसे यहां पर आया हूं, कैसे इसका एड्रेस है वगैरह, वो सब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को बिना देरी करे। बसंती, हां मखा तेरे पे भड़क गया मैं। हां अब क्या है, तेरी जैसी अकल तो मेरे को है नहीं। केला, ये कड़क कड़क दागीला केला। अरे जगन, या मेरा नाम तो पुकार है, कौन भाई? अबे मैं हूं, ये तोबड़ा क्यों उतरा हुआ तेरा? ये चाट उस्ताद हमारा तोबड़ा चढ़ा हुआ कब था? सर आप लोग देख सकते हो वो जो लोकेशन का पीछे का कैचअप था जो वो इस तरह का कुछ था, ठीक है। और ये है गेट ऑफ इंडिया मुंबई में, ठीक है, इसको चर्च गेट भी बोला जाता है, इस इलाके को मुंबई सेंट्रल भी बोला जाता है। सेंट्रल जो है थोड़ी लाइन आगे वाली पड़ जाती है। और जो आप लोग पीछे मेरे देख रहे हो ये है मुंबई का ताज होटल, ठीक है, सब में महंगा ताज होटल है। और जो अमिताभ बच्चन की मूवी शूट हुई थी उसकी जो लोकेशन थी कुछ इस तरह की थी, जो पीछे का ताज होटल भी दिख रहा था और गेट ऑफ इंडिया भी दिख रहा था, ठीक है। और जो टैक्सी की शुरुआत हुई थी अमिताभ बच्चन सर यहाँ से टैक्सी आती है, ठीक है, यहाँ रुकते हैं और टैक्सी से उतरते हैं, तो पूरा कैचअप किया गया था। आप लोगों को सब शॉर्ट्स वगैरह मेरे नीचे दिख रहे होंगे, आप लोग देख सकते हो। लोकेशन बहुत अच्छी है, आप लोग इस लोकेशन पे आके विजिट कर सकते हो और इस लोकेशन को देख सकते हो। रास्ता बहुत ईजी है, वो आप लोगों को मैं लास्ट में बता दूंगा कैसा है, कैसे आना है, कैसे नहीं आ रहा है। और आप लोगों को और सीन्स वगैरह दिखाता हूँ अमिताभ बच्चन की मूवी के शूटिंग के जो यहाँ शूट हुए गए थे। और फिलहाल आप लोग ताज होटल मेरे पीछे देख सकते हो, ये इंडिया का ही, इंडिया में क्या बाहर देशों में आने वाला सब में महंगा ताज होटल कहलाता है और वो है गेट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप लोग गेट ऑफ इंडिया आते हो तो वहाँ फ्री टिकट है, ठीक है, कुछ पैसा वगैरह आप लोगों को नहीं देने का, फ्री आप लोग विजिट कर सकते हो। बहुत अच्छा लोकेशन है और वहाँ पर एक पहाड़ भी है, टापू, उधर आप लोग देख सकते हो, उधर एक टापू है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वहाँ जाके विजिट करना है तो वो आप लोग यहाँ से नाव ले सकते हो, 75 रुपीज़ का कुछ अमाउंट रहता है उसका एक्चुअली, तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो और वहाँ आप लोग टापू वगैरह में घूम सकते हो जाके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा और आप लोगों को यहाँ के लोकेशन से रूबरू कराता हूँ। ये कड़क कड़क दागीला केला। अरे जगन, या मेरा नाम तो पुकार है, कौन भाई? अबे मैं हूँ, ये तोबड़ा क्यों उतरा हुआ तेरा? आप लोगों को मूवी के पीछे के जो बैकग्राउंड में दिख रहा होगा वो लोकेशन ये है और ये जो पीछे है ये है ताज होटल, ठीक है। एक्चुअली पूरा पीछे से कैचअप होता है उसके अंदर। और जो यहाँ पर आप लोग ये खंभा देख सकते हो ना, ये खंभा उस टाइम भी था और आज भी है। और यहाँ पर जो है टैक्सी वगैरह खड़ी रहती है, जहाँ पर अंकल बैठे हैं चने लेकर, ठीक है। तो वो लोकेशन बहुत अच्छी रूबरू हुई थी और जो इस इलाके में ज़्यादातर टैक्सी का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो ज़्यादातर इस इलाके में टैक्सी वगैरह ही चलती हैं। और कुछ इस तरह का आप लोगों जो खंभा है ना, ये इस तरह का खंभा आप लोगों को हल्का हल्का दिख रहा होगा, ये जो रेड लाइट है, ठीक है। अब ये मैं एक्चुअली अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये वाला खंभा है आगे वाला खंभा है, इसलिए ज़्यादा मालूम नहीं पड़ रहा। बहुत साल भी हो गए, 40 साल हो गए मूवी को आए हुए, तो कैचअप मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ ये लोकेशन है या वो लोकेशन है। बट इसी आसपास लोकेशन का जो था वो यहाँ का शूट हुआ गया था।
ऑलरेडी सर 40 साल बाद भी मतलब ये लोकेशन वैसी की वैसी ही है और काफ़ी अमेजिंग है ये लोकेशन। अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पर विजिट करो, घूमो, गेट ऑफ इंडिया में आप लोग जा सकते हो, फ्री टिकट है, कोई आप लोगों को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। जो मैंने आप लोगों को कहा था ना एड्रेस, तो एड्रेस इसका ऐसा है, आप अंधेरी रेलवे स्टेशन से आ सकते हो, अंधेरी रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट चर्च गेट के लिए मतलब लोकल आती है, स्लो फास्ट दोनों आती है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग पकड़ सकते हो। बाकी और जगह और स्टेशन का अलग अलग सिस्टम रहता है, वहाँ से पाँच नंबर से आप लोगों को मिलेगी चर्च गेट के लिए, ठीक है। लास्ट स्टॉप पे चर्च गेट उतरना है, आप लोगों को लास्ट पड़ जाता है, आप लोगों को बीच में कहीं नहीं उतरना, बिल्कुल मतलब जो लोकल है वो पूरी एंड हो जाती है वहाँ पर। वहाँ से आप लोगों को ₹5 लगेंगे बस से इस लोकेशन पे आने के लिए। और अंदर बैठा है। अरे ड्राइवर चलो नहीं, गाड़ी है के खटारा है। क्या रे, क्या बोला तुम, इसको खटारा बोलता है? अबे आँख का कचरा साफ कर, बराबर दिखाई नहीं देता तेरे को, इसको खटारा बोलता है, घर जाके बीवी को चाची बोलेगा? अरे